आज के इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हम सबके बीच उपस्थित आध्यात्म शक्ति के प्रति परम श्रद्धेय संत जी, भारतीय जनता पार्टी माधव मंडल के माननीय अध्यक्ष शिवाजी मंडल के माननीय शिवाजी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति जी, श्रद्धेय बुद्धि राजा जी, शिवम सागर जी हमारे मित्र और खेरवानी जी यहाँ के पुराने पार्षद रहे हैं, अपने प्रत्याशी राधा रानी जी, पूनम जी भी कहते हैं शायद इसको लोग, लेकिन उसमें राधा रानी नाम होगा ना, दोनों है राधा रानी। धर्मचंद जी बाजार कमेटी के अध्यक्ष, डॉक्टर अरवाकी उपाध्याय, उपस्थित बुजुर्ग कोई नहीं है, श्री सब उपस्थित बंधु, अब सुशील जी आप अपने को बुजुर्ग बता रहे बाल सफेद हो क्या हुआ, तो काला है मात्र शक्ति। ये नगर निगम का चुनाव, तीन सरकारें होती है, लोकल सरकार नगर निगम, प्रदेश सरकार लखनऊ में और केंद्र सरकार दिल्ली में। तीनों के लिए आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो आपकी समस्याओं के लिए उस स्थान पर लड़ सके जिस स्थान संबंधित समस्याएं, केंद्र सरकार संबंधित समस्याओं के लिए आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आपने एसपी सिंह बघेल साहब को चुना है यहां से। प्रदेश सरकार में आपकी समस्याओं के निदान के लिए आप लोगों ने तीसरी बार मुझे भी चुना, आपका आशीर्वाद मिला है मुझे। और नगर निगम की सरकार चुनने के लिए अब वक्त आया है जिसमें महापौर का चुनाव होगा यानी मेयर का, और पार्षद का चुनाव होगा। अभी संत जी ने एक वाक्य बोला था, वहां से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। उनका शासन शासक अच्छा होगा तो शासन अच्छा होगा, इस समय देश में शासक है मेरा नेता मोदी, प्रदेश में शासक है मेरा नेता योगी। मुझे फख्र है इस बात का कि मेरे पास मोदी है, मेरे पास योगी। जिस पार्टी के पास ऐसा नेतृत्व हो उसके राज्य में कभी समस्याएं रह नहीं सकती, समस्याओं के निदान मिलते रहेंगे। आज आम भारतवासी के सम्मान और स्वाभिमान को पूरे विश्व के जगत पर अगर परचम फहराया है तो मोदी जी ने फहराया। स्वाभिमान और सम्मान का परचम लहराया है उन्होंने, और ये सब कोई बातें नहीं कर रहा है, राजनीतिक जुमला नहीं बोल रहा, जो मैंने महसूस किया है वो बोल रहा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझको नीदरलैंड और पेरिस भेजा था, उत्तर प्रदेश में विदेशियों के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने के लिए, विदेशी इन्वेस्टर्स आए उत्तर प्रदेश में रहे, यहां पर आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश शक्तिशाली बने। इससे पहले किसी ने छोटी छोटी सोचाई बात, जाते होंगे घूमने तफरी करने, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, प्रदेश का हर घर समृद्धिशाली हो, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, यह सोचकर भेजा गया था। लेकिन हमारे जीजा जी 20 साल पहले पेरिस गए,
उस समय हुक्मरान कांग्रेस के हुआ करते, तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स थे उस समय, कि तुम कहां जा रहे हो पेरिस, क्योंकि उनका अनुभव पिछला था। मैंने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे भेजा जा रहा। बोले वहां भारतवासियों को बड़ी हिकारत से देखो, इसलिए तुम सोच रहे हो कि वहां से कुछ इन्वेस्टर्स ले आओगे जो भारतवासियों को हिकारत से देखते। अब मैंने कहा जा रहे हैं, भेज रहे हैं मैं योगी जी, क्या होता है वहां जाकर देखेंगे। बैठे लोगों के साथ मीटिंग ली, बातचीत हुई, लगा कि उन लोगों में उत्साह है भारत में काम करने का, उत्तर प्रदेश में काम करने का। कह रहे थे कि वातावरण बदला है मोदी जी के आने से और योगी जी के आने, और उसका और अच्छा अनुभव बताऊं आपको। शाम हुई, मीटिंग खत्म हुई, तो मैंने पेरिस का परफ्यूम मशहूर है, इसको मशहूर है, उनका चलो ले चले अपने ओम प्रताप जी जैसे, जैसे मांगेंगे कि कुछ क्या लाए मेरे लिए फिर आगे। तो भैया कुछ ले चले यहाँ से। अब ये मोह जो लेके भूल जाते हैं, तो उस परफ्यूम की दुकान पे जो जरा फेमस दुकान थी एंटर हुआ मैं, वहां के लोगों की गर्व देखी अपनी भाषा पर। जब तक सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता है इंग्लिश नहीं बोलेंगे, फ्रेंच जानता है फ्रेंच में बोलते। हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले की फिट करता है ना, उसे ज्यादा विद्वान समझते, ये मानसिकता है। वो पहले फ्रेंच बोलेंगे, अगर सामने वाला फ्रेंच नहीं जाता जानता तो इंग्लिश बोलेंगे। तो जो सेल्स गर्ल थी उसने मुझसे कुछ फ्रेंच में बोला, मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। बोली फ्रॉम वेयर यू आर, मैंने कहा फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम योगी मोदी कंट्री, वेलकम वेलकम फ्रॉम मोदी कंट्री। यह बदला है वातावरण, मेरे नेता मोदी ने पूरे देश विश्व का और सम्मान दिया है एक भारतवासी को, यह दिया है मोदी ने। मेरा सीना 56 इंच का हो गया जब उसने कहा वेलकम वेलकम यू आर फ्रॉम मोदी कंट्री। ऐसा नेता मेरा मोदी है, किसी और पार्टी के पास ऐसा नहीं। इसलिए हम वोट मांगने का हक रखते। उत्तर प्रदेश में हमारा नेता योगी है, इससे कुछ दिनों पहले तक गुंडों का साम्राज्य था, माफियाओं का राज था, माफियाओं की पैरेलल सरकार चलती थी, उनके खौफ थे जनता पे। आज वो खौफ सदा है योगी जी के डंडे, न मालूम किसकी गाड़ी कहां पहुंच रहा है। वो मुख्तार अंसारी जिसका खौफ था एक जमाने में, आज ऐसा खौफ सदा है कि जेल से निकलना नहीं चाहता, उत्तर प्रदेश की जेल में रहना नहीं चाहता, वो भाग गया चंडीगढ़ एक वो केस अपने पे दर्ज करवा के। सरकार ने उस केस को खत्म कराया, व्हील चेयर पे चलता था कि मैं इतना बीमार हूं कि साहब चल नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए मेरे को यही रहना है। वहां से व्हील चेयर पे बैठा गाड़ी में उत्तर प्रदेश के जेल पे उतरा, और जेल पे दरवाजे तक और गाड़ी से दौड़ के अंदर गया, व्हील चेयर भूल गया। वो यही योगी का खौफ, हाँ व्हील चेयर पे चल रहा था या जैसे ही उतरा तोड़ के जेल के अंदर घुसा दरवाजे में कि कहीं ऐसा ना हो इधर उधर से कोई व्हील चेयर पलट जाए, अति पर आ जाए। ये है राज मेरा नेता, ये मेरे नेता योगी। देखिए जब वो बोले, हाँ उसके अंदर गरजते हुए दहाड़ते हुए बोले,
कि माफियाओं को मट्टी में मिला दिया जाएगा। तो कौन लोग उछले, किनको मिर्च लगी? अखिलेश यादव, कांग्रेस के लोगों को, बसपा के लोगों को, उछल गए अपनी सीटों से, तिल मिलाने लगे। मैंने पूछा, महाराज जी से पूछिए कि इनको मिर्च क्यों लग रही है? अरे आप तो माफियाओं को मट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, आपने वो सब देखा होगा डायलॉग टीवी पर, टाड़ता हुआ मेरा नेता भट्टी में मिला दूंगा, मिर्च क्यों लग गया? नेतृत्व ऐसा होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आगरा में एक एग्जीबिशन लगी थी जिसमें सोने चांदी के बड़े बड़े व्यापारी आए और आभूषण लेकर अपने अपने आभूषण दिखा रहे, उनके स्टॉल लगे थे। मुझे उद्घाटन करने जाना था, मैं गया, मैंने चारों तरफ सोने चांदी के आभूषणों की स्टॉल देखे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई सूरत, कोई बॉम्बे, कोई ऊपर कलकत्ता, कहाँ कहाँ से आए? आप लोगों को डर नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में और ऐसे खोल के बैठे हुए अपने बाजार को? या तो चेन स्नेचिंग हो जाती है, वो पहन के घूमता है। तो बोले अब ये वो यूपी नहीं है, अब योगी का यूपी। ये विश्वास दिया उसने पूरे देश के व्यापारी है। जब हमारे पास ऐसे नेता है तो हम वोट मांगने का हक भी रखते हैं। ये आपको बताना होगा सब लोगों को। जैसे महाराज जी ने कहा, अच्छा शासक होगा तब बेहतर शासक होगा। तो अच्छा शासक चुनना है अगर हमें बेहतर शासन चाहिए। तो किस पार्टी पे नेता अच्छे हैं, नंबर एक की कसौटी होनी चाहिए। किस पार्टी के काम अच्छे हैं, दूसरी कसौटी ये होनी चाहिए वोट देने से पहले। तो काम गिनाएंगे तो हरि अदंत हरि कथा अनंता, इतने काम किए हैं मोदी और योगी ने कि गिनती नहीं है। सुबह से शुरू करें, रात हो जाए, दूसरे दिन सुबह हो जाए, इतने कहानियां, इतने काम है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में किसी ने सोचा तो मोदी ने सोचा, योगी ने सोचा, आखिर में बैठे हुए व्यक्ति के दर्द को समझा। महिलाएं, गरीब गुरबा महिलाएं थी जो चूल्हे में खाना पकाती थी, 100 सिगरेट के बराबर धुआं एक बार के खाने में इनहेल कर जाती थी, फेफड़े कमजोर होते थे, आंखें खराब होती थी। कितने ऊपर आना है इस देश के अंदर, किसने उनके इस पीड़ा को समझा? हमारे नेता ने समझा और उनको गैस का चूल्हा, 2 सिलेंडर मुफ्त देने की व्यवस्था की। यह है अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता करना जो हमारे काम। जनधन योजना, जब जनधन योजना मोदी जी दे रहे थे और हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि देखिए कोई रह ना जाए आपके गली मोहल्ले कूचे में, सबको कहिए शामिल हो। अब हमको भी लगता था ये क्या काम पकड़ा दिया है ये, अरे नहीं हो रहा है शामिल, ना हो, नहीं खोल रहा खाता ना खोले। लेकिन कितना दूरदृष्टि है मेरे नेता की, कब सोचा, कब असर हुआ, ये सोचने की बात है। पहली बात तो उसको विश्वास मिला उस व्यक्ति को जिसने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, हिचकता होगा कि पैसा नहीं है फिर भी खाता खुल रहा, बैंक के अंदर जा रहा है, एक आत्मविश्वास दिया है उसको। और दूसरा, एक घटना से आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे पड़ोस में शंकर कॉलोनी में एक बालमी बस्ती है, वो बालमी के एक लेडी मेरे पास आई, जब मैं मंत्री नहीं था तब की बात है ये, बोली विधायक जी मुझे 5-6 हजार रुपए तो उधार किसी साहूकार से प्याज पर दिलवा दी। तो मैंने कहा आप क्यों लेना चाहते हैं? बोली मेरे पे 6-7 हजार रुपए तो है, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा 10-12 हजार रुपए लगेंगे वरना खतरे में इसकी जिंदगी पड़ जाएगी। तो मैंने कहा आपका जनधन खाते में, योजना में खाता खोला है आपने? बोली हाँ खोला है, लेकिन उसको 300 रुपए
अरे मैंने खोला है कि नहीं खोला है, चल रहा है, 100-150 रुपये जमा करती हो निकालती हो? बोले हाँ वो। मैंने कहा 5,000 रुपये का चेक लेके जाइए, आपको जब समय हो तो देते रहना, देना तो पड़ेगा। मैंने कहा लेकिन मिलेगा वक्त जरूर। लेके आई, उसकी बच्ची बच गई, आज उसके घर के आंगन में के उसकी बच्ची की किलकारी गूंज रही है उसके अच्छे दिन आए के लिए। मैं पूछता हूँ वरना क्या होता, या तो बच्ची से हाथ होती या फिर साहूकार के चुंगल में फंस जाती जिंदगी भर रोती। ये दिया है मोदी। उन्होंने दिया, पहले राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री तो खुद कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं चवन्नी नीचे पहुंचती है, ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था। मेरा नेता कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। व्यवस्था दी उन्होंने, सिर्फ कहा नहीं, कोई राजनीतिक जुमला नहीं बोला, ये जनधन योजना के अंतर्गत। अब जो भी विपदा होती है, आपदा आती है या सरकारी अनुदान आता है, सहायता आती है, पहले अगर 10,000 रुपये आती थी तो 4,000-5,000 तक पहुंचती थी, बिचौलिए खाते थे। कभी कहीं क्लर्क ने, अफसर ने, इन्होंने उन्होंने, उस पार्टी के नेताओं ने जिनकी सरकारें हुआ करती। लेकिन अब कोई भी सहायता आती है सीधा सरकारी खजाने से उसके अकाउंट में पहुंचती है। 10,000 आए, 10,000, 20,000 आए, 20,000, 1 रुपया, 1 रुपया सीधा पहुंचता है। बिचौलिए खत्म कर दिए, ये दिया है। अगर वो जनधन खाते नहीं होते तो कैसे होता? ये किसान जानते हैं, भारतवर्ष के जिनको सीधा पहुंचता है वो, तो जहां बाढ़ आ जाती है वहां के लोग जानते हैं, जहां सूखा पड़ता है वहां के लोग जानते हैं, जहां कुछ और देवी आपदा हो जाती है वहां के लोग जानते हैं। न जाने कितने कार्य ऐसे हैं, सिलसिला चल पड़ेगा, मैं सुनाऊंगा। तो हमारे नेता बेहतर, उनके काम बेहतर, सरकारों के काम बेहतर। अरे आपने भी जब मुझे पहली बार सुना था विधायक के रूप में, तो इस आगरा में पानी की कैसी समस्या थी? 3 टाइम आता है पानी जी कह रहे, 3 टाइम आता है, पहले 1 टाइम भी दिया था और वो भी कौन सा जल? गंगा जल। राम तेरी गंगा वैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते राजकुमार ने एक फिल्म के माध्यम से फलसफा भी दिया था, लेकिन कृष्ण तेरी यमुना वैली हो गई, दिल्ली ओखला के नाले धोते धोते हमारे किचन और बाथरूम हमको बताते थे, जैसी नल खोलते थे बदबूदार पानी। क्योंकि तो पानी था ही नहीं यमुना में, वहां के दिल्ली ओखला के नाले नालों का पानी था। वो भी 100 ml यानी 100 मिलियन लीटर पर डे वहां से उठा सकते थे, आगरा को 400 मिलियन लीटर पर डे चाहिए था। जब आप लोगों ने मुझे चुना तो मैंने सोचा इसका निदान होना चाहिए और एक गंगा जल योजना को शुरू कराया। ईश्वर की कृपा हुई, मेहनत जरूर लगी, 5 साल धूल ले डाली पालना से बुलंदशहर से आगरा तक की 150 किलोमीटर, और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बना जब मेरे नेता मोदी ने बटन दबाया और गंगा मैया आई। गंगा मैया के शहर में गंगा मैया आ गई। आज गंगा का पानी निकलता है हमारी चौकी से, हर हर गंगे करके हम लोग नहाते हैं, जिस पानी को लेने कभी हरिद्वार जाते थे, कभी ऋषिकेश जाते थे, कभी बनारस जाते थे, कभी कानपुर जाते थे, आज हमारी पानी की चौकी से निकलता है। और आगरा की जनता इस देश से मुझे भगीरथ ऑफ आगरा भी कहती है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा, क्योंकि बहुत कठिन काम था। अब कभी मैं उन पन्नों को पलटता हूं, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो लगता ही मैंने कर कैसे दिया, वो जरूर किसने दिया ऊपर। और वो तो ये पार्टी ने हमें संस्कार दिए थे कि जनता के दर्द को समझो के काम करो। एस एन मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा इससे पहले क्या थी,
एक बात से बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पहले कार्यकाल में जब मेरा आपने चुनके भेजा तो मैंने पानी की समस्या के साथ सोचा था, दूसरा कार्यकाल भेजा तो मैंने यहाँ पर अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो यह सोचा था। क्योंकि आप सबने सुना होगा कभी किसी बात को कहते हुए या बात को कहते हुए अपने बच्चे के लिए, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए चाहे मेरा घर बुरा हो जाए, ये आवश्यकता होती है दवाई इलाज। या किसी बेटे को सुना होगा अपनी माँ या पिता के लिए, डॉक्टर साहब मेरे पिता या माँ को बचा लीजिए चाहे मेरा घर बुरा होता है। आगरा में क्या व्यवस्था थी एस एन मेडिकल कॉलेज की? दुर्दशा, और दुर्दशा किस सीमा तक, जब मैंने दूसरे अपने कार्यकाल में यह संकल्प लिया कि इसको अपग्रेड करना है, एम्स स्तर पर लाना है, और मैं उस हिसाब से सर्वे करने निकला तो वहां की बच्चियां हॉस्टल की निकल कर आई, बोली सर हमारा हॉस्टल देखिए। मैंने कहा मैं हॉस्टल देखने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट खुल सकता है, कहाँ पर हम सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए बिल्डिंग बना सकते हैं। बोले एक मिनट हॉस्टल तो देखिए आप बड़े काम की बात कर रहे हैं, जरा हमारा हॉस्टल देखिए। उनका क्या फजीता है, मैंने प्रिंसिपल को बुलाया कि गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे जाना नहीं चाहिए। डॉक्टर सरोज सिंह प्रिंसिपल थी, मैं नाम ले रहा हूँ आप पता कर सकते। उन्होंने कहा मैडम ये ऐसे ऐसे कह रही हैं बच्चियाँ। अरे बोले छोड़िए आप जाएगी और काम देखते हैं। तो मैं समझ गया कि दाल में काला है पूरी दाल काली। मैंने कहा चलिए अंदर चलिए आप जरा मुझे दिखाइए। शर्मनाक स्थिति ये थी कि बच्चियों ने दिखाया कि उनके बाथरूम में दरवाजे थे, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कहाँ थी। तो दशा क्या हो सकती है, मेडिकल कॉलेज। मैंने कहा मैडम ये क्या है सर, तो बोली अब तो फंड नहीं। मैं उससे पहले सपा सरकार थी, अब तो एक डेढ़ महीने में आए थे तब की बात है 2017 में। तो मैंने कहा आपने सरकार को लिखा था? बोली हाँ लिखा था, वहां से जवाब आया फंड नहीं। मैंने कहा ऐसी कोई संवेदन शून्य सरकार नहीं हो सकती जो इस काम के लिए लेकर कि फंड नहीं। आप दिखाइए काम पत्र, आप जरूर बोलती। उन्होंने दिखाया, वास्तव में ये लिखा हुआ है। मेरे मुंह से अनायास निकला इससे भाई में ठुमके लगाने के लिए फंड था, यहां पर बच्चियों की सुरक्षा के लिए फंड नहीं। ये शर्मनाक स्थिति की सरकार है। आज जाके देखिए आप जा रहे देख रहे, पूरा रूप बदल रहा है सर मेडिकल कॉलेज का। 500 करोड़ की तो बिल्डिंग बन रही है या सुपर स्पेशलिटी विभाग खुलेंगे, क्योंकि मैंने बात की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, उस समय हर्षवर्धन जी थे, फिर नड्डा जी आए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री, उनसे योगी जी को लेकर आया, डॉक्टर दिनेश शर्मा उस समय डिप्टी सीएम थे आगरा प्रभारी, जो उनको लेकर गया दिखाया यहाँ की आवश्यकता महसूस कराई, फिर वहां पर 550 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। अब यहाँ पर कैंसर का इलाज यही होगा, हार्ट का इलाज यही होगा, न्यूरो का इलाज यही होगा, यूरो का इलाज, 16 विभाग होंगे जो यहाँ पे इलाज देंगे जनता को, आगरा की जनता को, दिल्ली बम्बई चेन्नई लखनऊ मद्रास जयपुर नहीं जाना होगा, यही उनको इलाज देगा। ये दिया है तो काम करते हैं, तो जनता के दर्द को समझते हैं, इसलिए वोट मांगने का हक भी रखते हैं। तीसरी कसौटी है आपका प्रत्याशी कैसा, नेता कैसे, काम कैसे और प्रत्याशी कैसा। प्रत्याशी स्वभाव से समाज सेवी है, आप लोगों के बीच की है, आप लोगों के दुख दर्द को समझती है, आपके समाज से है, निश्चित रूप से आपकी आवाज को बुलंद करेगी नगर निगम में। और जब आप इनको चुनेंगे, मान लीजिए इनकी सीमा से बाहर कोई काम है, इनकी सीमा से बाहर है तो हमारी गर्दन पकड़ लेंगे ये, और सीमा से बाहर है तो हम सांसद जी की गर्दन पकड़ लेंगे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार जब आप देंगे तभी और विकास तेजी से होगा, यही अनुरोध करने आया हूं। धन्यवाद।